everyone, स्वागत है आपका यानी हमारे YouTube चैनल that is one and only हर घर शिक्षा भाई अल्लाह पे। मेरा नाम इमरान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोवर्ब्स 25 प्रोवर्ब्स के अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड करने वाले हैं मोर देन 500 प्रोवर्ब्स, तो वीडियो को वॉच करते रहें और अंत तक वॉच करें। नाउ प्रोवर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोवर्ब्स एक्चुअली जो हिंदी में हम कहावतें कहते हैं, जैसे कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये सारी बातें जो है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इस तरह की बातों को हम अंग्रेजी में कैसे कहें, बिकॉज हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश सेज कहना भी आना चाहिए। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी दो पार्ट अपलोड किए हुए हैं और भी सीरीज धीरे धीरे मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूं, इसको आप वॉच करें और साथ में अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज करें। नाउ तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और वीडियो में आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। नाउ वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और वॉच करने के बाद आप एक बार इस वीडियो को समराइज फास्ट करके भी दोबारा वॉच करें, ताकि आप जस्ट ये कंफर्म कर सके कि इस चैनल वीडियो से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो आपको पूरी तरह से मिली है या नहीं मिली है। इसको सीखने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स एक बार जरूर आप राइटिंग करें, लिखने की कोशिश करें, जो भी आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं उसको आप एक बार एज इट इज लिखें बिना देखे, एंड देन उसके बाद अपनी डेली कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना वेस्ट किए टाइम को, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी मर्यादा अपने हाथ में, यानी अपनी इज्जत अपने हाथ में, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, respect yourself and you will be respected. apni dafli apna rang, many man many minds, to kehte hai na jitne zyada log hote hai utna zyada unka jo hai vichar hota hai, to many man many minds, apni dafli apna rang. next, apna so apna matlab apna apna hota hai, right? blood is thicker than water, blood is thicker than water. next, मृत्यु का समय निश्चित नहीं, मतलब मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं, मालूम नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ कीप्स नो कैलेंडर. नेक्स्ट, अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता, एवरी पॉटर प्राइजेज हिज ऑन पॉट, एवरी पॉटर प्राइजेज हिज ऑन पॉट. नेक्स्ट, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे, मतलब आधी छोड़ सारी को धावे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा मिलता है तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे इतना नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उस और के चक्कर में उसको कुछ नहीं मिलता। तो इंग्लिश में ऐसी कहावत को कहते हैं ही हु ग्रैप्स ऑल थिंग्स विल लूज ऑल, ही हु ग्रैप्स ऑल थिंग्स विल लूज ऑल. नेक्स्ट, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन. नेक्स्ट, आम के आम गुठली के दाम, आपने बहुत ये कहावत सुनी होगी आम के आम गुठली के दाम, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड, अर्थ जॉयज एंड हेवेंस कंबाइंड. नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ लोग अपने आप को दिखावा बहुत करते हैं कि मैं ये हूं वो हूं और रियलिटी में कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को कह सकते हैं हम ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट. नेक्स्ट, इस हाथ से उस हाथ से लो, मतलब इस हाथ से दो उस हाथ से लो, अर्ली सो अर्ली मो, अर्ली सो अर्ली मो. एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, वन फिश इनफैक्ट्स द होल वाटर, वन फिश इनफैक्ट्स द होल वाटर. नेक्स्ट, एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री,
टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री. नेक्स्ट, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. A nine days wonder. Next, कर भला हो भला. Light reflects light. Next, एक कान सुनो दूसरे कान उड़ा दो. In at one ear and out at the other. Next, घर का भेदी लंका ढावे. Traitors are the worst enemies. Next, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. मतलब जिसकी रक्षा भगवान अल्लाह करते हैं उसका कोई कुछ बाल भी नहीं बिगाड़ सकता. इसे इंग्लिश में कहते हैं Whom God keeps, no frost can kill. नेक्स्ट, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. The needy stoops to everything, however mean. नेक्स्ट, एक ही थाली के चटे बटे. Cast in the same mold. नेक्स्ट, कल किसने देखा है. Tomorrow never comes. कांटा ही कांटा निकालता है. One nail drives out another. नेक्स्ट, ढेर योगी मठ उजाड़े. मतलब कहते हैं ज्यादा लोग होते हैं तो काम बिगड़ जाता है अक्सर. तो उस इंग्लिश में कहते हैं Too many cooks spoil the broth. नेक्स्ट, समय पर एक टका नौ का काम देता है. मतलब जो जरूरत पे काम आ जाता है वही सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे वो छोटा तिनका ही क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल होता है. तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं I stitch in time saves nine. नेक्स्ट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. As you sow, so you will reap. नेक्स्ट, पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर आए बड़े. न काम के न काज के. वही कहते ना, पढ़े न लिखे आए विद्यासागर, नाम रख लिया विद्यासागर. मतलब an ignorant man keeping a great. ठीक है, मतलब पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर. इसे हम दूसरी कहावत में कहते हैं, बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस. वही वाली बात है. खैर, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. वाओ, कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपने वीडियो के अंत तक के सारे प्रोवर्ब्स को सीख लिया है. अब आपको प्रोवर्ब्स कितना आता है इस चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए और इस चीजों का एक टेस्ट लेने के लिए, आप एक ब्लैंक पेपर उठाएं और उस पर आप लिखना शुरू करें. जो जो आपने वॉच किया है एज इट इज लिखना शुरू करें. अगर आपको, जब आप लिख लेते हैं तो उसको एक बार इस वीडियो को फिर से वॉच करें फास्ट करके, एंड देन फिर मैच करने की कोशिश करें कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है. अगर आपने सही लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने गलत लिखा तो उसको करेक्ट करें, एंड देन उसके बाद सीखना शुरू करें. अब आपके लिए चैलेंज है. चैलेंज ये है कि इन प्रोवर्ब्स में आपका सबसे बेस्ट प्रोवर्ब्स क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं. आपके कमेंट से हमें मिलेगा मोटिवेशन और हम आपके लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे नई नई वीडियोस. वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड. गॉड ब्लेस यू. स्टे लर्नर, स्टे फोकस्ड.